नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। विपक्ष के उत्सावे के साथ छात्र आंदोलन हिंसक हो गया, जिसके दबाव में शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा। शेख हसीना को अपना वतन बांग्लादेश दोबारा छोड़ना पड़ा और वे भारत आ गई हैं। शेख हसीना के तख्तापलट में आरक्षण विरोधी आंदोलन तो सबसे बड़े वजह है ही, लेकिन 84 साल के एक शख्स की भी अहम भूमिका रही है। भारत के लिए चिंता की बात यह है कि बांग्लादेश की नई सरकार में उनकी भूमिका बेहद प्रभावी हो सकती है, लेकिन उसका नज़रिया भारत विरोधी है। हम बात कर रहे हैं मोहम्मद यूनुस की, जो कट्टरपंथ की आग में धधकते बांग्लादेश में भारत के खिलाफ आग उगल रहे हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता और ग्रामीण बैंक के सूत्रधार मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश की जनता अपने सिर आंखों पर बिठाती है, लेकिन शेख हसीना के साथ उनका 36 का आंकड़ा है। मोहम्मद यूनुस के खिलाफ शेख हसीना सरकार की बदले की कार्रवाई ने वहाँ की जनता के मन में प्रधानमंत्री के प्रति गुस्सा भर दिया है। इस गुस्से को बस एक चिंगारी मिलनी थी, जो आरक्षण विरोधी आग के रूप में मिल गई और हसीना की सत्ता खाक में मिल गई। माना जा रहा है कि यूनुस को अंतरिम सरकार का सलाहकार बनाया जा सकता है। 28 जून 1940 को जन्मे मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश के एक सोशल एंटरप्रेन्योर, बैंकर, इकोनॉमिस्ट और सिविल सोसाइटी के नेता है। यूनुस ने 2006 में ग्रामीण बैंक की स्थापना की और माइक्रो क्रेडिट और माइक्रो फिनांस जैसे नए नए आइडिया दिए। इस बात के लिए उन्हें 2006 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया। 2009 में उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया। 2010 में उन्हें कांग्रेसियल गोल्ड मेडल दिया गया। इसके साथ ही उन्हें कई और भी अवार्ड मिल चुके हैं। मोहम्मद यूनुस अपने देश में बेहद लोकप्रिय हैं, लेकिन शेख हसीना के साथ उनकी कभी नहीं बनी। हसीना के कार्यकाल में भी मोहम्मद यूनुस पर 20 लाख अमेरिकी डॉलर गबन करने का आरोप लगा था। इस मामले और श्रम कानूनों को न मानने के आरोप में यूनुस को 6 महीने की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। हालांकि यूनुस अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को सिरे से नकारते रहे हैं। वह जमानत पर भी जेल से बाहर आ गए। मोहम्मद यूनुस पर हसीना सरकार ने 200 से ज़्यादा मामले दर्ज करवाए हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप भी शामिल हैं। इन मामलों में दोषी पाए जाने पर उन्हें वर्षों तक जेल की सलाखों में रहना भी पड़ सकता है। शेख हसीना मोहम्मद यूनुस को सूदखोर मानती हैं, वहीं मोहम्मद यूनुस शेख हसीना को बांग्लादेश में लोकतंत्र का कातिल बताते हैं। हैरत की बात यह है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में लोकतंत्र की हत्या के लिए भारत को भी सहायक बताते हैं। वो कहते हैं कि शेख हसीना भारत का साथ पाकर ही चुनाव के बजाय तानाशाह के जरिए बांग्लादेश की सत्ता पर काबिज रही हैं। उनका कहना है कि भारत ने अपने यहाँ लोकतंत्र के फलने फूलने के लिए पूरी शिद्दत से काम किया, लेकिन पड़ोसी बांग्लादेश में इसके उलट तानाशाह का समर्थन किया। इस बात की भी तकलीफ है कि भारत में बांग्लादेश के ताज़ा बवाल को अंतरिम मामला बताया। यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है, तो यह कैसे हो सकता है कि यहाँ बिगड़ते माहौल से भारत आंखें मूंद ले। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश भी सार्क का सदस्य है, इस लिहाज से भारत की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली का रास्ता तैयार करने में उसका मदद करे। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस का कहना है कि बांग्लादेश में आग लगेगी तो लपटे पड़ोसी देशों तक पहुँचेगी। उन्हें इस बात का भी रोष है कि भारत हमेशा शेख हसीना के साथ खड़ा क्यों रहता है। भारत के लिए मोहम्मद यूनुस के ऐसे विचार काफ़ी घातक साबित हो सकती है। बांग्लादेश में नई सरकार बनने से पहले मोहम्मद यूनुस का भारत विरोधी नज़रिया चिंताजनक है। मालदीव्स में मोहम्मद मुइजू भी राष्ट्रपति चुनाव के पहले से भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे हैं और राष्ट्रपति बनने के बाद भी भारत का विरोध जारी रखा। इस कारण मालदीव्स के साथ भारत के रिश्तों में बहुत खटास आ गई है। अब मोहम्मद यूनुस जैसों की वजह से बांग्लादेश भी भारत विरोधी रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।